ग्रीन सॉइल में जो आज का हमने टॉपिक रखा है वो गुलाब पे रखा है। तो गुलाब पे वैसे बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं, पर ये थोड़ा अलग टॉपिक है। जैसे हम नए गुलाब के प्लांट लेके आते हैं, तो नीचे वाला तो हमारा जो पार्ट होता है वो जंगली गुलाब होता है, ऊपर वाला हमारा जो होता है वो हाइब्रिड होता है। पर जो हम नर्सरी से लेके आते हैं ना, बहुत ही ग्रीन प्लांट होते हैं। इसमें एक छोटा सा फ्लावर भी आ रखा होता है, जिसको आइडेंटिफिकेशन करके हम प्लांट लेते हैं कि भाई ये फ्लावर हमारे गार्डन में कलेक्ट हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगता है। पर अचानक से फिर क्या होता है ना कि यही प्लांट हमारा सूखने लगता है। तो उसका कारण ये हो सकता है कि या तो हम बहुत जल्दी रिपॉटिंग कर देते हैं। अब आप सोचिए, आप गुलाब लेके आए, आप सोचेंगे यार जल्दी से इसे पॉट में लगा दीजिए, या फिर उसे कम से कम 1-1.5 महीने या 2 महीने उसी पॉट में रहने दीजिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो नर्सरी वाले होते हैं ना, वो इस तरीके से फर्टिलाइज़ करते हैं अपने प्लांट को कि वो है ना ग्रीन रहे, कम से कम 15-20 दिन बहुत हेल्दी रहे। जब आप उस प्लांट को देखेंगे तब कुछ और होता है, जब वो घर आके हमारे यहाँ 1-1.5 महीना रुकता है तब वो कुछ और होता है, और काफ़ी चांस होते हैं कि वो मर भी जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या होता है ना, तो इसमें क्या है ना, मुझे लगता है फंगस का बहुत अटैक होता है। तो अभी मैं देख रहा था कि मेरे जो ये 2 गुलाब के प्लांट हैं, दोनों के दोनों मेरे टाइगर रोज हैं। बाकी में भी देखिए मैंने क्या करा ना कि इसमें जो फंगल पाउडर होता है हमारा, मैंने उसका पेस्ट लगा दिया है। तो बाकी सब जैसे ये देखिए, ये मेरा कम से कम 2 साल पुराना प्लांट है, तो इसका जो ग्राफ्टेड एरिया बहुत मैच्योर हो गया है, जंगली प्लांट है। तो इसी भी तरह की देखिए, उसका भी ग्राफ्टेड पोर्शन देखिए, उसका भी ग्राफ्टेड पोर्शन देखिए। पर जो नए प्लांट आते हैं वो इतने मैच्योर नहीं होते कि वो झेल जाएं सब कुछ। तो इनसे क्या है ना कि डिपॉलिनेशन कर दीजिए इनका, जितनी पत्तियां हैं वो गिरा दीजिए, उसके बाद इन पर फंगल पाउडर लगा दीजिए ताकि ये ग्रोथ पर ध्यान दे सके अपनी। और कोशिश कीजिए कि इस सीज़न में, यानी कि जिस साल आपने इन प्लांट को ख़रीदा है, इनसे फ्लावरिंग ना लें। हाँ, जब हम नर्सरी से लेने जाते हैं तो हर सी बात है, प्लांट की आइडेंटिफिकेशन तो फ्लावर से ही होगी कि वो किस कलर का है, येलो, पिंक, ऑरेंज या टाइगर रोज या मिक्सचर है या पेटल का, कैसे सेपरेशन है उनका। पर जैसे ही आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए तब आप इनकी सिर्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक बार ही एक सीजन ही आपके गार्डन में सेट हो गए तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर तो इनमें ड्राई बैक वगैरह लगता रहता है, कुछ ब्रांचेज चलेंगी, कुछ सूखेंगी, ये सब चलता रहेगा गुलाब के साथ, पर गुलाब कभी मरेगा नहीं। अभी देखिए, जैसे मेरा एक ये जो प्लांट है कितना छोटा है, इसकी वाली ब्रांचेज ना ग्राफ्टेड भी इसी तरीके से, ये वाला देखिए, ये जो मैं काफ़ी नए प्लांट लेके आया हूँ ना, तो उनके साथ ही ये प्रॉब्लम आ रही है। जो मेरे मैच्योर प्लांट है, देखिए जैसे ये मेरा मैच्योर प्लांट है, इनके साथ ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका ग्राफ्टेड पोर्शन बहुत मोटा हो चुका है ना, ये देखिए, तो उनके साथ ही प्रॉब्लम नहीं है। पर जितने भी नए प्लांट है ना, उनके साथ ही प्रॉब्लम आ रही है। और अभी जैसे बारिश शुरू हुई है ना, तो इसमें आपका बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गुलाब को जैसे छोटे प्लांट है तो उस छोटे प्लांट को कम पानी देना है, और जो मैच्योर प्लांट है उसका ज़्यादा पानी देना है, क्योंकि इनका रूट स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा होगा, इनका रूट स्ट्रक्चर छोटा होगा। तो अभी जैसे बारिश हुई है आज हरिद्वार में, बहुत ज़्यादा ओले भी पड़े हैं रात, तो ये इनका मैंने फंगल पाउडर उतर गया था, मॉर्निंग में मैंने दोबारा फिर लगाया है। तो अब इनको पानी दे, मैं मुश्किल से 5-6 दिन में पानी नहीं दूंगा, जब तक मुझे लगेगा नहीं मिट्टी बिल्कुल सूख गई है। और बीच बीच में मैं क्या करता हूँ ना, इस पर एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करता रहता हूँ, ताकि इनकी लीफ में कोई भी डिजीज़ वगैरह या फिर इनके जो लीफ है वो जल्दी ग्रो हो। तो आप ही है ना, आपके पास अगर गुलाब का कोई पेड़ आए जैसे नया इस तरीके से, तो आप ना उसका बहुत ध्यान रखिए 1 साल तक। बस 1 साल के बाद है ना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट होते हैं, फिर तो ये खुद ही चलते रहेंगे। बस इनको खाना, जो इनकी न्यूट्रिशन होती है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा आपको। अभी जैसे देखते हैं, अभी ये जैसे छोटे छोटे प्लांट है कि सर्वाइव करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये है ना जो टाइगर रोज होते हैं कॉस्टली में मिलते हैं, 100 रुपीज़ तक हरिद्वार में मिल रहे हैं यहाँ पर, ये अलग अलग सेपरेशन में, अलग अलग शेड में। और बाकी जो देसी है वो 30-40 का मिल जाता है, और जो सिंपल कलर में होता है प्लांट वो 70-80 के बीच में मिल जाता है। पर ये टाइगर रोज थोड़े अच्छे भी लगते हैं, तो देखते हैं इनका रिजल्ट क्या रहेगा। जैसे भी अगर ये ग्रोथ करते हैं मैं तो भी आपके साथ शेयर करूँगा, अगर ये बाई चांस ये नहीं ग्रो करते तो भी मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगा। आप भी मुझे बताइएगा कि आपके जो न्यू प्लांट आए हैं रोज़ के, उनके साथ आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मेरे लायक कोई सजेशन हो जो शायद मुझे नॉलेज नहीं पता हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरे है ना इन गुलाब के साथ मेरी बड़ी दिक्कत आ रही है मुझको ना, या तो ये कह लीजिए हरिद्वार की मिट्टी में कुछ तो बात है, क्योंकि फंगल बहुत लगती है। आप पानी कम दो ज़्यादा दो, यहाँ की मिट्टी है ना, मतलब है रेतीली पर फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम मुझे ने देखा है कि हरिद्वार की मिट्टी में है थोड़ी सी दिक्कत फंगस की। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू।